नमस्कार, विवार्ता में आपका स्वागत है। पीओके में आतंकवादी शिविरों पर भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद देश में ही राजनीति शुरू हो गई है। विवार्ता में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, इस कार्रवाई के बारे में खुलासा करके क्या सरकार ने सही कदम उठाया है? देखिए, खुलासा करके सही कदम उठाया है या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है। मुझे लगता है कि हम पहले की वेब वार्ता में भी बात कर चुके हैं, जिस तरह के देश के हालात थे, जिस तरह से भीतर से एक अलग तरह का उन्माद उभर रहा था युद्ध का, जिस तरह से विश्व में रणनीतिक हालात बने हुए थे, उस हिसाब से लगता है कि इसकी घोषणा करना जरूरी था। लेकिन ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि उसके बाद किस तरह की राजनीतिक गतिविधियां हिंदुस्तान में हुई हैं। तो क्या इस पूरे मामले पर पूरी राजनीति जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, क्या इस तरह की बयानबाजियां होना चाहिए? ऐसा करके क्या ऐसा नहीं लगता कि हम पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं? ये इस पूरे मामले का सबसे दुखद पहलू है। इससे ज्यादा शर्मनाक, घृणास्पद और लज्जास्पद इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकता कि जो हिंदुस्तान दूसरे मुल्कों से युद्धों में जीत रहा है, रणनीति की टेबलों पर हिंदुस्तान का परचम ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहा है, उस हिंदुस्तान को अपने ही मुल्क में राजनीति लगातार पीछे धकेल रही है। राजनीतिक विमर्श का जो स्तर इस वक्त देश में है, उतना घटिया और उतना निम्न स्तर इस देश ने कभी नहीं देखा। हमने 62 में चीन से लड़ाई की, देश को बहुत नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन सारे लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ खड़े थे। उनको खुद एक सदमा लगा था और उसके बहुत साल बाद वो जीवित भी नहीं रह पाए, उनको एक झटका लगा, लेकिन देश खड़ा था। लता मंगेशकर ने मंच से खड़े होकर गाया था कि ए मेरे वतन के लोगों। 65 में जब हमने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी तो लाल बहादुर शास्त्री जी के जय जवान और जय किसान के नारे के पीछे पूरा हिंदुस्तान खड़ा था। न पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के लिए लड़ रहे थे, न लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस के लिए लड़ रहे थे, और न 71 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के लिए लड़ाई थी। वो देश की लड़ाई थी, वो हिंदुस्तान की लड़ाई थी, राष्ट्र के स्वाभिमान की लड़ाई थी। और उस लड़ाई को जब इस तरह के राजनीतिक रंग दिए जाते हैं, इससे मतलब देश में लोगों को हो क्या गया है? आप इतने अति वाचाल क्यों हैं घटनाओं को लेकर? अगर आपको ये नहीं पता है कि क्या बोलना है तो आप कम से कम चुप रहिए। क्या 62 की लड़ाई के बाद किसी तरह का राजनीतिक विमर्श इस देश में इसको लेकर हुआ था? बाद में उसका आकलन होता रहा, वो इतिहास का काम है, इतिहासकारों का काम है, देश और समाज का काम है। 65 की लड़ाई पर क्या इस तरह का हंगामा हुआ? 71 में तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दुर्गा तक कहा गया, क्यों कहा गया? जब नरसिम्हा राव जी को संयुक्त राष्ट्र में किसी को भेजने की बात, अटल बिहारी वाजपेयी को क्यों भेजा? वहां के लोग तक भौंचक के रह गए कि हम सोच नहीं सकते हैं कि विपक्ष के नेता को आप सरकार का प्रतिनिधि बनाकर भेजेंगे। उस तरह की राजनीति को जानने समझने वाला यह हिंदुस्तान हर चीज को राजनीति के चश्मे से देखने लगा है। क्या हमारी आंखें खराब हो गई हैं जो बिना राजनीति के चश्मे को चढ़ाए हम कुछ देख ही नहीं सकते? साफ साफ नंगी आंखों से दिखाई देने वाले सच भी हम अपने आप को नजरअंदाज कर देते हैं, हमको दृष्टिदोष दिखाई देने लगता है। ये हो क्या रहा है इस देश में? लोगों को अपना बुद्धिवाद थोपना है? बड़े बड़े संपादक, लेखक और विश्लेषक कहने कि हाँ, भारत को सबूत दे देने चाहिए। आपने कितना रणनीति शास्त्र पढ़ा और कितनी बार सीमा पर जाकर लड़ाइयां लड़ी हैं? आप सबूत मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं? सेना से मांग रहे हैं, सरकार से मांग रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजीएमओ ने की है ना? आप सरकार से जो आपकी लड़ाई है उसका बदला डीजीएमओ से, सैनिकों से क्यों ले रहे? फिर बाद में कहते हमें सैनिकों से कोई, अरे भाई, सैनिकों के पीछे राजनीतिक इच्छा शक्ति भी खड़ी थी ना, और इसका फायदा या नुकसान होगा बाद में देखेंगे ना। आप अपने फायदे नुकसान के लिए उन पर कीचड़ क्यों फेंक रहे हैं? इस वक्त होना तो यह था कि सारा हिंदुस्तान पूरी मजबूती के साथ खड़ा हो जाता। ये संजय निरुपम, ये अरविंद केजरीवाल और ये राहुल गांधी, इनको शर्म करनी चाहिए कि देश ने कितना सुनहरा मौका खोया। जिस पाकिस्तान की विश्व मंच पर, जिस पाकिस्तान की उसके खुद के देश में इतनी लानत मलानत हो रही है, उस पाकिस्तान में हमारे यहां के लोगों के बयानों को उठाकर हवा में उछाला जा रहा है ताकि उनकी राजनीतिक किरकिरी कम हो। कुछ समझते हैं कि नहीं समझते हमारे देश के राजनेता? बहुत शर्मनाक है। कुछ बुद्धिजीवियों के फेसबुक के कमेंट्स और आलेख जो लिख रहे हो पढ़ लीजिए। ये इस तरह की अति बुद्धिजीविता ने इस देश का बहुत ज्यादा नुकसान किया है। मुझे लगता है कि कुछ मसलों पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो सकता। अगर लोग इसको तानाशाही कहते हैं तो तानाशाही सही, ये राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्र के साथ खड़े होने की जरूरत है। अगर राष्ट्र नहीं होगा तो आपकी इस बुद्धिजीविता को सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। क्या आप चाहते हैं कि तालिबानी पर सवार हो और आप कुछ भी कहें उसके पहले आपको 50 बार सोचना पड़े? बोलने की आजादी का मतलब यह कि आप चाहे जो बोलेंगे, देश आजाद है, इसका मतलब आप सड़क पर खटिया डालकर सो जाएंगे चौराहे पर? क्या कोई भाषा का अनुशासन, कोई वक्तव्यों का अनुशासन होगा कि नहीं होगा? राजनीतिक विमर्श बहुत घटिया स्तर पर चला गया है।
लोगों ने अपने पार्टी के खंभों को इतनी मजबूती से पकड़ लिया है कि वो उनको छोड़कर राष्ट्र के खंभे को, राष्ट्र के तिरंगे झंडे को पकड़ने को तैयार नहीं है। कहते जरूर है कि हम सेना का विरोध नहीं कर रहे, हम राजनीति का विरोध कर रहे हैं। अरे भाई चुप हो जाइए ना। मैं तो ये भी कहूंगा कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी ये चाहिए कि वो इस तरह के किसी भी आरोपों का जवाब नहीं दे, वो चुप रहे। इस वक्त मौन में सबसे बड़ी ताकत है। कुछ भी कहना है तो वो रणनीतिक, सामरिक, राजनीतिक स्तर पर जो पाकिस्तान से कहना है, जो विश्व समुदाय से कहना है वो कहें। आपने सर्वदलीय बैठक बुला ली, आपने राजनेताओं को अलग से बता दिया, उनके विवेक पर छोड़ दीजिए और जनता के विवेक पर भी भरोसा कीजिए। अगर कोई गलत बयानी कर रहा है तो वक्त आने पर जनता जवाब देगी। ऐसा नहीं लगता कि परोक्ष रूप से या सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश है? बेवकूफी है मनोबल तोड़ने से ज्यादा। ये वाहियात लज्जाजनक शर्मनाक हरकत है। आप सेना और उससे आगे आप सोचिए, आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों में फर्क क्या है? फर्क यह है कि वहां सेना देश चला रही है, फर्क यह है कि वहां सेना पर आतंकवादी हावी हो चुके हैं, फर्क यह है कि किसने आतंकवाद का नकाब पहना और किसने सेना की वर्दी पहनी है, इसमें अंतर नहीं है। जमहूरियत लोकतंत्र वहां एक मजाक बन के रह गई है। वहां पर मौलाना मसूद अजहर, तथाकथित जो मौलाना है, और हाफिज सईद जैसे लोग खुलेआम सड़कों पर घूम रहे और अब उनका भी विरोध हो रहा है। और पाकिस्तान के वहां पर जनरल परवेज मुशर्रफ जैसा आदमी जो तख्ता पलटकर तानाशाही चलाने के लिए सरकार में आया था, जिसने कारगिल जैसा युद्ध दिया है, वो खुद कह रहा है कि पाकिस्तान खुद भस्मासुर की तरह अपने पैदा किए हुए आतंकवाद से परेशान है, पीड़ित हो गया है। वो कह रहा है कि हमने रिलीजियस मिलिटेंसी सही है इस देश में, मतलब हमने धर्म को आतंकवाद से और सेना से जोड़कर जो गलती की है उसका पाप आज हम भुगत रहे हैं। उस पाकिस्तान को इस तरह बेनकाब करना, जो कश्मीर को उन्होंने गुलाम बना रखा, उस गुलाम कश्मीर को आजाद करवाना, बलूचिस्तान का जो मुद्दा हमने उठाया उसको मजबूती देना, ये सब करने के बजाय हम आपस में लड़ रहे हैं, आपस में तू तू में कर रहे हैं, छींटाकशी कर रहे हैं। मुझे लगता है एक पत्रकार के नाते, इस देश के एक नागरिक के नाते, मेरा सर शर्म से झुक जाता है कि जिस तरंगे को हमारे सैनिकों ने बुलंद किया ऊंचे। बाद में देखेंगे ना, आप देखेंगे बाद में क्या गलत क्या सही हुआ। इस वक्त राष्ट्र को सिर्फ और सिर्फ आपकी सहमति की, आपके उत्साहवर्धन की, सैनिकों को की शहादत को और सैनिकों की जो बहादुरी से उन्होंने कार्रवाई की है उसको सलाम करने की जरूरत है। ये वक्त आपकी बुद्धिजीविता, आपके पास कितना तर्क है, ज्ञान का कितना भंडार है, वो दिखाने का नहीं है। कुछ वक्त ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ हमें चुप रहकर अपने राष्ट्र के साथ खड़े होना होता है। जब वक्त आएगा हम देखेंगे कि आपके ज्ञान में कितना दम है। यदि देशभक्ति की बात करें तो उसे किस तरह परिभाषित करेंगे? देखिए, देशभक्ति की कोई एक परिभाषा नहीं हो सकती। इस वक्त बहुत सारे लोग बहुत सारी तरह की बातें कर रहे हैं और राष्ट्रभक्ति के सर्टिफिकेट बांटने पर तुले हुए हैं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि होते हैं बलिदान कई जब देश खड़ा होता है, होते हैं बलिदान कई जब देश खड़ा होता है, और अपने जीवन से भी बढ़कर देश बड़ा होता है। जिस्म बड़ा है न जा बड़ी है, देश बड़ा होता है। होते हैं बलिदान कई जब देश खड़ा होता है। धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे पीओके में भारतीय सैन्य कार्यवाही के बाद राजनीतिक बयानों की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।